अस्सलाम वालेकुम, मैं फरुख आजम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप खैरियत से होंगे। शवाल के चांद के हवाले से चांद इम्पोर्टेंट अपडेट आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ब्लैक बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा आपस में रब्ता जुड़ा रहे। कल बरोज सोमवार 8 अप्रैल को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर चांद देखने के लिए इजलास तलब किए गए, जिसमें से सऊदी अरब अरब मीडिया की जानब से खबर शाया की गई है कि जो ईद उल फितर है वो बुध को होगी। सऊदी अरब मीडिया की जानब से ये खबर शाया की गई है क्योंकि वहाँ पर ईद उल फितर का शवाल का चांद नज़र नहीं आया और सऊदी अरब में बुध को ईद उल फितर होगी, सऊदी मीडिया की जानब के कहना है। ऑस्ट्रेलिया में भी कल चांद नज़र नहीं आया, ये ऑस्ट्रेलिया फतवा कौंसिल की जानब से रिपोर्ट शाया की गई है। और मुत्तहदा अरब अमारात में भी ईद उल फितर शवाल का चांद 8 अप्रैल को नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से ईद उल फितर बुध को ही होगी। खलीजी मीडिया की जानब से ये खबर शाया की गई है। और कतर में भी ईद उल फितर का चांद नज़र नहीं आया, ये भी कतरी मीडिया की जानिब से अहम रिपोर्ट शेयर की गई है। तो इन तमाम ममालिक में ईद उल फितर का चांद शवाल का चांद 8 अप्रैल को नज़र ना आने की वजह से ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को ही मनाई जाएगी। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान में 9 अप्रैल को रात के वक्त शवाल का चांद नज़र आता है या नहीं। अगर चांद नज़र आ गया तो इन तमाम ममालिक के साथ बरोज़ बुध को 10 अप्रैल को तमाम ममालिक में ईद उल फितर मनाई जाएगी। अगर पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद शवाल का चांद नज़र नहीं आता तो पाकिस्तान में जुमरात को 11 अप्रैल को ईद उल फितर होगी। तो इस हवाले से मज़ीद जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट हमें मौसूल होगी तो आप नाजरीन तक बरवक्त पहुँचा दी जाएगी। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।